हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम फियरबे मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को किसी से डर के भागते हुए देखते हैं। वो भागते हुए नीचे गिर जाती है और वहीं पर वो जमीन के अंदर दो सिक्के डाल देती है। उसी समय वहां पर एक काला कोट पहना आदमी आ जाता है और वो लड़की को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम सारा और माइकल नाम के एक कपल को देखते हैं जिनकी सगाई हो गई होती है, लेकिन शादी होनी अभी बाकी होती है। सारा माइकल को अपने मॉम के घर ले जा रही होती है ताकि वो उसे अपने मॉम से मिलवा सके। फिर माइकल FM चलाता है जिसमें उसका ही गाना बज रहा होता है और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। माइकल एक सिंगर था जिसने एक गाना गाया था जो कि काफी ज्यादा हिट हुआ था, लेकिन ये काफी पुरानी बात थी। अब वो गाना नहीं गाता है जिस वजह से उसे कोई भी नहीं जानता। वो दोनों जा रहे होते हैं तभी अचानक उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। इससे वो डर जाते हैं और कार से बाहर उतर के देखते हैं। पहले माइकल कार से बाहर उतरता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता जिससे कि उसकी गाड़ी टकरा सके। जिसके बाद सारा भी बाहर निकलती है और वो भी देखती है तो उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि अगर उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराई नहीं थी तो उन्हें ऐसा क्यों लगा। तभी उन्हें जमीन पे कुछ बर्फ दिखाई देती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनकी गाड़ी इसी में फिसल गई होगी, लेकिन रेगिस्तान में बर्फ का होना बहुत ही अजीब बात था। इसलिए वो गाड़ी में बैठते और वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम उसी काले कोट वाले आदमी को देखते हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहा होता है। सारा और माइकल जब अपने गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ते तो वो आदमी उनका पीछा करने लगता है। माइकल उसकी गाड़ी को देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है तो वो आदमी भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है। वो आदमी उन्हें ठोकने ही वाला होता है कि तभी माइकल अपनी गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकता है जिससे वो आदमी आगे निकल जाता है। सारा उसे पूछता है क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोकी, तो माइकल उसे बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो उनका एक्सीडेंट करवाना चाहता है इसलिए उसने गाड़ी रोक दी। उन्हें भूख भी लगी होती है तो वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में हम उसी लड़की को देखते हैं जो मूवी के शुरुआत में भागती हुई दिखाई दी थी। वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी और उसके हाथ से खून भी टपक रहा था। वहीं पर एक बूढ़े कपल भी बैठे होते जो कि काफी परेशान लग रहे थे। सारा और माइकल बैठते और माइकल कहता है कि हमें बहुत ही जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, तो सारा कहती है कि वो उसके फादर के मर्जी के बिना नहीं कर सकती है। माइकल कहता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आते रहते हैं, इस वजह से वो कब मर जाए किसी को नहीं पता, इसलिए उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। इस बात से सारा नाराज हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा ना बोले। तभी वहां पर वेट्रेस आती है उनका ऑर्डर लेने के लिए। वहीं पास में जो बूढ़े कपल बैठे होते हैं उन्हें खाना काफी ठंडा लगता है, मानो खाने को फ्रिज से निकाल कर दिया गया हो। सारा ये सब सुनती है और उसे ये काफी अजीब लगता है। तभी उस बूढ़े कपल के पास रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है जो उन्हें कहता है कि उनका खाना बिल्कुल ही ठीक है और वो चिंता ना करे, वो उनका खाना बदल देंगे। वेट्रेस उनके लिए ड्रिंक लाती है और वो उन्हें दो कोट्रेस देती है। माइकल उससे पूछता है कि वो कोट्रेस का क्या करेंगे, तो वेट्रेस बोलती है कि कोट्रेस से तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके सामने ज्यूक बॉक्स रखा होता है तो उसे बजा सकता है, जिसके बाद माइकल कोट्रेस को उसके अंदर डालता है जिसमें उसका गाना बजने लगता है। ये सुन के वो खुश हो जाते हैं और सबको बताते हैं कि ये माइकल का गाना है। इधर हम उसी काले कोट वाले आदमी को देखते जो कि उनका रेस्टोरेंट से बाहर आने का वेट कर रहा था। उस इंसान के दांत किसी डीमन की तरह लग रहे थे और वो अपने कार के रेडियो में रेस्टोरेंट में हो रही बातें को सुन रहा था, जिससे हम यहाँ पे जान पाते हैं कि उसके अंदर कुछ शक्तियाँ है। रेस्टोरेंट में सारा वेट्रेस से पूछती है कि यहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं है, तो वेट्रेस बताती है कि एक डेड जोन है और यहाँ पे टावर नहीं है इसीलिए नेटवर्क नहीं आते हैं। उसके बाद माइकल वॉशरूम के लिए जाता है और तब हम दीवार पर एक फोटो देखते हैं जिसमें मैनेजर वेट्रेस और कुक की फोटो होती है, जिसके नीचे रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे लिखा हुआ था जो था नवंबर 1927, यानी 1927 में ये रेस्टोरेंट यहाँ पर था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जैसे ये लोग 1927 में लग रहे थे वैसे ही आज भी लग रहे थे। वही बाहर वो आदमी अपनी शक्तियों से तारे काट देता है ताकि वो किसी को फोन ना मिला सके। रेस्टोरेंट में कुक सारा को खाना सर्व करता है तो उसे टिप के तौर पे बहुत सारे पैसे देती है, लेकिन कुक लेने से मना कर देता है। तो सारा उसे कहती है कि उसके पिता भी हार्ड वर्क करते हैं बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाई थी और वो उसके पिता की एज का है इसीलिए वो ये पैसे रख ले। उसके बाद माइकल और सारा रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। इससे वो काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारा नीचे उतरती है देखने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसके पास सारा और माइकल की तस्वीर होती है, पर उसके अगले ही सीन में हम उस तस्वीर को डेजर्ट में देखते हैं जिसके ऊपर दो सिक्के रखे होते हैं। उधर रेस्टोरेंट में कुक और वेट्रेस मैनेजर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लोग उनके साथ क्या करेंगे, तो मैनेजर कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है इसीलिए वो जो होता है वो होने देंगे। वेट्रेस कहती है कि हमें उस कपल की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर ऐसे करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो वो भी सजा के पात्र बन जाएंगे। आगे मैनेजर कहता है कि उसने उन लोगों के लिए उसे डील की है और वो उससे बिल्कुल भी गद्दारी नहीं कर सकते।
पास खड़ी लड़की मैनेजर से कहती है कि वो उन दोनों को उसे सौंप दे और उसका जो मन होगा वो उसके साथ करेगी। मैनेजर कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये लोग यहाँ पर टाइम लूप में फंसे हुए हैं और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते। वही वो कार वाला बंदा शायद डोर कीपर है जो कि शायद उनकी रूह को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। इधर सारा और माइकल सोच रहे होते कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है, तभी उन्हें उस आदमी की कार दिखाई देती है जो कि ठीक उनके पीछे खड़ी होती है। तो सारा उसके पास जाती है ये पूछने के लिए कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा है। वो जब कार के पास पहुंचती है तो वो आदमी कार के शीशे खोलता है और सारा को अपने दांत दिखाता है। उसके दांतें देख के सारा डर जाती है और अपने गाड़ी में बैठ के वहां से भागती है। माइकल उससे पूछता है कि वो कौन था, तो सारा कहती है कि वो इंसान तो बिल्कुल ही नहीं था और वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए और उन्हें जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर से वही रेस्टोरेंट नजर आता है, तो वो वहीं रुक जाते हैं और वो आदमी आगे निकल जाता है। वो अंदर जाते हैं और वेटर से कॉल करने के लिए फोन मांगते हैं। वेटर उन्हें कहती है कि उसके पास 2 सिक्के हैं और वो इसका इस्तेमाल कॉल करने के लिए कर सकते हैं। सारा बाहर जाती है और टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल करती है। वो उसे सारी बात बताती है तो इंस्पेक्टर कहती है कि वो वहां नहीं आ सकती क्योंकि वो जगह बहुत ही दूर है और वहां पर आने में उसे घंटों लग जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मैनेजर ही बोल रहा होता है, वो भी औरत की आवाज में। वो लोग चाहते हैं कि सारा और माइकल यहाँ से ना जाए और उनका काम है कि उन्हें यही फंसाए रखे। उसके बाद मैनेजर बाहर आता है तो माइकल उसे उस आदमी के बारे में सारी बात बताता है कि वो इन्हें टारगेट कर रहा है। मैनेजर कहता है अगर ऐसी बात है तो वो लोग यहीं रुक जाए और उसके पास रूम भी अवेलेबल है। आगे मैनेजर कहता है कि पहली बार जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो राइट से आए थे, फिर आगे जाके उन्होंने राइट से एक कट लिया और वापस वहीं पे आ गए। माइकल सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो लोग अपने रास्ते सही जा रहे थे। माइकल और सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं। फिर सारा वेट्रेस से और सिक्के मांगती है लेकिन वेट्रेस देने से मना कर देती है। तभी उनके पास वो डिप्रेस्ड लड़की आती है जो उन्हें अपने सिक्के दे देती है, लेकिन मैनेजर वहां पर आ जाता है और वो सिक्के उठा के कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। आगे वो उन दोनों को बताता है कि लड़की अपने आप को चोट पहुंचा चुकी है और वो उनकी रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए वो उसकी आदतें जानते हैं। सारा को एक सिक्का मिल जाता है तो वो बाहर जाती है और अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन आवाज ठीक से नहीं आ रही होती है इसीलिए वो बात नहीं कर पाती है। इधर मैनेजर उस लड़की को बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि अब उसका वक्त आ गया है इसलिए उसे रूम में जाना चाहिए, पर वो लड़की जाना नहीं चाहती थी तो मैनेजर उसे रूम के अंदर धक्का दे देता है। रूम के अंदर कोई होता है जो उसे पकड़ लेता है। रेस्टोरेंट के अंदर कुक माइकल और सारा को बिल प्रोवाइड करता है, तभी मैनेजर वहां पर आ जाता है और वो बिल को ले लेता है। वो देखता है कि बिल पर रन लिखा हुआ था, ये देख के वो बिल को फाड़ देता है और उसे कहता है कि उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग मुसीबत में हैं, इसलिए वो बस उनकी मदद करना चाहता है। उसके बाद मैनेजर उन्हें कहता है कि उन्हें रूम में जाके आराम करना चाहिए। फिर मैनेजर उन्हें रूम में ले जाता है। इस दौरान सारा उसे बहुत ज्यादा सवाल करती है, इससे मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो सारा को उसके नाम से पुकारता है कि वो ज्यादा सवाल ना करे। सारा इससे परेशान हो जाती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है क्योंकि माइकल उसे हमेशा बेब कहता है और उसने अपना नाम उसे नहीं बताया था। वो माइकल को इस बारे में बताती है क्योंकि उसे यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। तभी सारा साइड वाले रूम में उस लड़की को देखती है जिसे एक आदमी पकड़ के ले जा रहा होता है और ये देखकर वो घबरा जाती है। उसी वक्त मैनेजर माइकल को भी उसके नाम से बुलाता है तो माइकल उसे पूछता है कि उसे उनका नाम कैसे पता। मैनेजर कहता है कि वो उन्हें एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन माइकल और सारा समझ जाते हैं कि वो भी उस आदमी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो वहाँ से भागते हैं और गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। कुक और वेट्रेस मैनेजर से पूछते हैं कि क्या वो उसकी मदद कर सकते हैं। ये सुन के मैनेजर उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो लोग कोई एंजल नहीं है। वही माइकल और सारा देखते हैं कि वो बार बार उसी रेस्टोरेंट के पास आ रहे होते हैं, मानो कि वो एक लूप में फंस गए हो और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उधर कुक मैनेजर के पास जाता है और उसे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मैनेजर कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करेगा वो आदमी करेगा। इधर सारा और माइकल के पीछे वो आदमी फिर से लग जाता है और वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश बार बार करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। उधर कुक अपने हेडक्वार्टर में कॉल करता है और उन्हें कहता है कि ये वो कपल नहीं है जो उन्हें चाहिए था और शायद उनसे कोई गलती हो गई हो, इसीलिए उनकी फाइल फिर से चेक करनी चाहिए। इधर सारा और माइकल की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं और जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें उनकी गाड़ी टूटी हुई दिखती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी गाड़ी की हालत ऐसे कैसे हो गई है। उन्हें गाड़ी पे खून लगा हुआ नजर आता है जिससे वो समझ जाते हैं कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो दोनों मर चुके हैं और आत्मा बन चुके हैं, और जो आदमी उनका पीछा कर रहा है वो गेट कीपर है जो कि उन्हें हेल में ले जाना चाहता है। वो उठते और भाग के वापस उसी लूप में पहुंचते हैं जहां उन्हें उनकी गाड़ी सही हालत में मिलती है। वो उसमें बैठ के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां माइकल जख्मी हो गया होता है, तो सारा उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेटा देती है और मैनेजर के पास जाती है उससे बात करने के लिए ताकि वो जान सके कि यहां पर क्या चल रहा है। मैनेजर उसे बताता है कि जहां पर वो लोग है वो एक दूसरा वर्ल्ड है और उनके वर्ल्ड और उसके वर्ल्ड में एक छोटा सा डिफरेंट है। आगे मैनेजर कहता है कि जिसका भी इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है उन्हें इस वर्ल्ड में भेज दिया जाता है ताकि ये डिसीजन लिया जा सके कि उन्हें हेल में भेजना है कि हेवन में।
आगे मैनेजर कहता है कि वो लोग भी यहाँ पर कई सालों से फंसे हुए हैं और उन लोगों ने उन्हें काम दिया है मैनेजमेंट का, ताकि वो उन्हें उस कमरे में भेज सके, जिसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ भेजना है। और जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वो फेरी मैन है, जो कि उन्हें अपने साथ ले जाएगा। इसलिए वो हर किसी का पीछा करता है ताकि उनके आत्मा को अपने साथ ले जा सके। सारा उससे पूछती है कि क्या वो अभी मर चुकी है, तो मैनेजर कहता है कि वो दोनों अभी जिंदा है और मौत से लड़ रहे हैं, और जब फेरीमैन उन्हें ले जाएगा तो वो पूरी तरह से मर जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो टाइम स्पेंड किया है वो रियल लाइफ में कुछ ही सेकंड होगा, यानी कि अभी भी वो लोग जिंदा है और अपनी जान बचा सकते हैं। मैनेजर जानता है कि सारा प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसका बच्चा जिंदा रह सके। फिर मैनेजर कुक को गाड़ी में भेजता है ताकि वो फेरीमैन को डिस्ट्रैक्ट कर सके, और फेरीमैन गाड़ी को चलता देख उसके पीछे लग जाता है। मैनेजर फिर उन दोनों को फोन बूथ के अंदर भेजता है और कहता है कि वो लोग यहीं से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उस बूथ में से सिर्फ सारा ही बाहर निकलती है और माइकल उसी में छूट जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट में सिर्फ सारा ही बची हुई थी और माइकल मर चुका था। सारा भी इसीलिए जिंदा बची हुई थी क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।